हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फैमिली लेट्स नॉलेज नाउ। ओके, सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे का जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करके, एंड ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ओके, बेल आइकॉन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके, आज मैं बात करती हूँ कुछ बच्चे को कंसेप्ट, बच्चे का कंसेप्ट लेके, जैसे कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, ये बच्चा कहाँ बैठाएगा, ये लेके मैं थोड़ा सा बात करूँगी आज। ओके, तो किस हिसाब से बच्चे को आप इसको दे सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है बच्चे का। मैं बेसिक लेके अभी बात कर रहा हूँ, जैसे 5 से 6 साल का बच्चे को ये सब चीज़ जानना सीखना अभी ज़रूरी है, राइट। अभी बेसिक को कैसे कराएंगे, राइट। जैसे यूज़ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, कहाँ बैठना है, राइट। सबसे पहले कैपिटल लेटर के ऊपर ऑलरेडी मैं डीपली वीडियो बना चुकी हूँ, राइट, तो उसको दिखा दीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही है, तो वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल लेटर को कैसे सिखाएंगे बच्चे को, एंड आपका फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स को थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए, एंड क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या है, देयर आर 30 डेज इन ए मंथ ऑफ नवंबर, राइट। तो देयर आर 30 डेज इन ए मंथ ऑफ नवंबर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे होगा, कैपिटल लेटर यहाँ पे कहाँ पे होगा, सबसे पहले जब स्टार्ट होगा सेंटेंस, जब स्टार्ट होगा यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा। डेफिनेटली कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है उसमें कैपिटल लेटर होता है। मैंने इससे पहले भी बताया था, जब वीक का नाम होता है, डेज का नाम होता है, फिर जब मंथ का नाम होता है उसमें कैपिटल लेटर होता है, कोई नेम जब आता है उसमें कैपिटल आता है, कोई फेस्टिवल्स जब आता है उसमें कैपिटल लेटर आता है, राइट। ये सब चीज़ में आप, और भी 2-4 चीज़ में आता है, जैसे रिवर्स वगैरह, राइट। मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, राइट। जैसे फर्स्ट वर्ड होगा तो यहाँ पे कैपिटल होगा, देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। तो नवंबर डेफिनेटली यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि मंथ का नाम है तो यहाँ पे कैपिटल होगा। अभी सेंटेंस किस में ख़त्म होगा, ये नॉर्मल सा एक सेंटेंस है तो डेफिनेटली इसमें फुल स्टॉप होगा। यहाँ पे क्या से ख़त्म करेगा बच्चा, फुल स्टॉप से ख़त्म करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट जो दिया गया है ये इसका आंसर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो दिया गया है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटेंस में क्या होगा, ये सेंटेंस में हु, बच्चे को ये कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। जैसे हु, व्हाट, व्हेन, डिड, कैन, राइट, ये सब चीज़, विच, राइट, ये सब चीज़ से जब जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब होता है वो सेंटेंस ज़रूर क्वेश्चन मार्क में बैठेगा। हम लोग क्वेश्चन मार्क में ऐसा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, फूड से, डीट से, राइट। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी, राइट, ये अच्छा हो जाएगा तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हु जो होगा, हु, हुज, राइट, होम, राइट, फिर व्हिच, राइट, डीट, कैन, ये सब चीज़ जब आएगा तो इसमें क्या होगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो हु आया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क होगा इस सेंटेंस में, राइट। फिर क्या दिया गया है, द नेम ऑफ योर स्कूल इज साउथ पॉइंट या समथिंग दैट हॉली चाइल्ड या वॉट एवर इट, राइट। जिस जो स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम होगा। अभी स्कूल का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर में आएगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड, राइट, वो कैपिटल आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे द, द, दी का जो टी होगा वो कैपिटल में आएगा, राइट। अभी ये एक नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, राइट। इस हिसाब से बच्चे को आप देंगे, दे सकते हैं, राइट। जैसे बताया था, द नेम ऑफ योर स्कूल इज डैश, राइट। नेक्स्ट हो गया, स्कूल का कोई भी नाम हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो साउथ पॉइंट हो, चाहे वो हॉली चाइल्ड हो, चाहे वो DPS हो, जो भी स्कूल का नेम होगा, कोई भी स्कूल का नेम, उसमें कैपिटल लेटर आता है। ओके, कैपिटल लेटर बच्चा करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है, व्हेन डू यू गो टू द पार्क, राइट। तो व्हेन डू यू गो टू द पार्क, ये व्हेन आ गया है तो इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो मैंने बताया था जैसे हु, व्हिच, व्हेन, व्हाट, राइट, ये सब जितना सारा वेयर, जितना सारा वर्ड होगा, और कैन, डीड, इसमें सब क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मार्क में आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव,
राइट। तो इसमें क्या आएगा, वेयर फर्स्ट वर्ड सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड आई, आई जो वर्ड होता है, आई एम, राइट, जैसे होता है ना, आई जो वर्ड होता है वो कहीं पे भी बैठे, चाहे सेंटेंस का बीच में बैठे, चाहे सेंटेंस का फर्स्ट में बैठे, उसमें ज़रूर कैपिटल लेटर आता है, कैपिटल लेटर बैठेगा, ओके। जैसे ये बच्चे को आप ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा कंसेप्ट को, जैसे आई लिव इन कोई भी सिटी हो, जैसे यहाँ पे गुवाहाटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आई लिव इन गुवाहाटी, तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा आपका कैपिटल लेटर, तो अभी आ गया गुवाहाटी, एक प्लेस का नेम है, तो प्लेस का नेम है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ओके। तो इस हिसाब से बच्चे को आप कंसेप्ट को दे सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, राइट। जैसे इस हिसाब से दिया हुआ है, द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल इज मिस्टर, जो भी नेम होगा वो नेम, राइट। तो नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, राइट, फर्स्ट जो वर्ड्स होगा वो वर्ड आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर में बैठेगा, उसके बाद में जो प्रिंसिपल या टीचर जो भी है, जो पर्सन का नाम होता है, वो पर्सन का नाम डेफिनेटली कैपिटल लेटर से। तो इस हिसाब से अलग अलग से इसलिए दिया गया है कि बच्चा थोड़ा सा कैपिटल कहाँ पे बैठेगा, कहाँ पे स्मॉल बैठेगा, कौन सा क्वेश्चन मार्क होगा, कौन सा, ये जो सेंटेंस होगा ये फुल स्टॉप में नॉर्मल सेंटेंस आएगा, राइट ना, ये जो आई लिव इन गुवाहाटी ये भी नॉर्मल सेंटेंस होगा, राइट ना, द नेम ऑफ आवर प्रिंसिपल इज डैश, राइट, तो ये भी कैपिटल लेटर, सॉरी, ये भी फुल स्टॉप होगा, ये सब नॉर्मल सेंटेंस है, राइट। तो ये जितना कराएंगे बच्चे का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।